अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुमा के दिन जुमा की नमाज के बाद, सुन्नतों के बाद, नफलों के बाद 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लीजिए, 7 मरतबा सूरह फलक पढ़ लीजिए, 7 मरतबा सूरह नास पढ़ लीजिए, तो इंशाअल्लाह आइंदा जुमा तक हर बुरी चीज से, एक्सीडेंट से, बुरी बीमारी से, गलत खबर से, हर बुराई से अल्लाह ताला हिफाजत करेगा। ये मजमून इब्न सुन्नी में मौजूद है। और अगर हमारे माहौल के अंदर, चूंकि औरतें मस्जिद में नहीं आती, घर पर जोहर की नमाज पढ़ती है, तो कोई बात नहीं, जोहर के जुमा के दिन जोहर की नमाज के बाद पढ़ लीजिए। कोई मुसाफिर है, उसने जुमा की नमाज नहीं पढ़ी और जोहर की नमाज पढ़ी, तो जोहर की नमाज के बाद पढ़ ले। फौरन नहीं पढ़ सकते तो असर तक पढ़ लीजिए, असर तक नहीं पढ़ सकते तो जुमा के दिन सूरज के गुरुब होने तक पढ़ लीजिए आप। बस उसका टाइम ये है, सूरज गुरुब हो गया वो टाइम गया। दूसरा कि हर जुमा के दिन जुमा की नमाज के बाद और सुन्नतों के बाद, नफलों के बाद गुरुब आफ्ताब तक कोई आदमी 100 मरतबा सुभानअल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़ेगा तो पढ़ने वाले के 1,00,000 गुना माफ होंगे और उसकी माँ के 12,000 गुना माफ और उसके बाप के 12,000 गुना माफ होंगे। ये मजमून भी इब्न सुन्नी में मौजूद है। अल्लाह ताला हम सब से राजी हो जाए। आमीन।